आगे ये भाई कर रहे हैं टोर्नाडो और हम चले इनके पीछे, बिकॉज रास्ता कुछ नहीं दिख रहा है, इसलिए धीमे धीमे चल रहे हैं। अभी देखो ये गया टोर्नाडो के अंदर, बिकॉज इस सिल्ट के नीचे कितना ये है पता ही नहीं चलता है ना, पत्थर है, लूज पत्थर है, ग्रावल है, और आंखों में तो गया ही गया। हाँ ये बेहतर टर्न्स है, डिस्टेंस है हमारे दोनों का, तो आई थिंक वी हैव टू टेक द सेम रूट ऐसे जाके वहां तक पुदुम के लिए। अभी आई भाई एक और एक स्टीप चढ़ाई, बैठ ही जाते हैं यार, पर बैठना का है। इफ यू हैव टू क्रॉस दैट पास वी आर श्योरली गोइंग टू हैव अ स्नो। मेरे को उससे पहले सस्पेंशन, ये देखो ये बैठ ही नहीं रहा, ये उठा के फेंक रहा है। तो ये भी ये लोग भी आ गए, ब्रेक भी खत्म हो गया, आगे हो रही है स्नोफॉल, तो मैंने भी सस्पेंशन को थोड़ा सा सेटअप कर दिया, क्योंकि वो लगेज कैरिंग के हिसाब से हमने सस्पेंशन को ज़्यादा हार्ड करके रखा हुआ था। तो दोस्तों एक्चुअली स्पीकिंग दिस रूट किलोमीटर वाइज इट इज शॉर्ट, बट इट इज सो मच फन टू राइड। हाँ यू इफ यू कैन मिक्स पंगी वैली, स्पीति एंड वारेला ऑल टुगेदर, तब बनेगा ये वाला रूट, जंस्कार का वो वाला पदुम वाला रूट, कारगिल टू पदुम वाला रूट एंड ओल्ड लद्दाख वाला रूट, ये सब कुछ मिलाओगे तो बना ये वाला रूट। बट सीरियसली जब तक ये ऐसा है तब तक वो ठीक है, जब ये इसका रूट ये हो जाएगा ना तो मज़ा नहीं आएगा भाई। अच्छा हुआ हमने तभी कर लिया जब इसकी ये थी, ये तो मेमोरी में जाएगा भाई। मेरा वही एक छोटा सा अफसोस होता है, छोटा सा अफसोस होता है कि काश मैं मोटो व्लॉगिंग एंड दिस थिंग आई वुड हैव स्टार्टेड अ बिट अर्लियर। हाँ तुम्हारा भी तो वही है, जल्दी चैनल चालू करो यार। क्या हाँ तो हैप्पी बोल रहे हैं कि अभी ये भी व्लॉगिंग सीख रहे हैं और क्वालिटी कंटेंट बनाना, यानी ट्रैवल का, नए नए जगह का। अगर ये व्लॉग चालू करते हैं तो मैं तो बता दूंगा भाई हैप्पी ने व्लॉग चालू कर दिया और पहाड़ियों का, नए नए रूट्स का, हर एक चीज़ का हैप्पी बना देंगे कंटेंट। क्या बोलते हो हैप्पी भाई? यहाँ पे थोड़ा सा देख के टर्न लेना पड़ता है, क्योंकि कौन से टर्न में कौन कहाँ से निकल देगा पता नहीं चलेगा। और ये गई हमारी धन्नो थ्रॉटल पे, सेटअप एक बार हो जाए ना उसके बाद चलाने का मजा ही कुछ और होता है। हाँ नहीं वो रिदम नहीं फॉलो करती ना गाड़ी, तुम्हारा रिदम और गाड़ी का रिदम दोनों भी डिफरेंट हो जाता है। सस्पेंशन सेटअप इज दैट्स व्हाई यू नीड अ एडजस्टेबल सस्पेंशन। KTM 390 Adventure has got power and everything, but it doesn't have a adjustable suspension, right? So you can't adjust it according to the purpose. Or again, जैसे मेरी गाड़ी और आपकी गाड़ी में difference है, okay? The difference between Happy's bike and Maya is इसे high RPM पे निकालना पड़ता है, low RPM में नहीं, क्योंकि इसका टॉर्क 7000 के ऊपर ही चालू होता है। लो आरपीएम पे 3000-4000 में ही ये चालू कर ले हो जाती है 900। हाँ और आप स्लो डाउन करके वापस आप क्लाइम चालू कर सकते हैं, पर इसमें स्लो डाउन कर दिया ना क्लाइम करने के लिए गियर चेंज माने का, और या आपको नीचे जाके वापस आना पड़ेगा मोमेंटम लेके।
चासी सस्पेंशन सब कुछ केपेबल है. दैट्स व्हाई आई मूव्ड फ्रॉम द प्रीवियस नॉन एडजस्टेबल सस्पेंशन टू द एडजस्टेबल सस्पेंशन ऑफ 2019. हाँ, उसके वजह से हमको पूरे का पूरा ये मिल रहा है. सही. और यहाँ पे तो जंप्स भी मिल रहे हैं भाई, और ज़्यादा मोमेंटम लेके आए तो हम गए जंप्स के साथ टर्न. अब तुम्हारा वाला लाइन लेने का चालू करूँगा तो तुम डस्ट उड़ाओगे, तो दूर रखना पड़ेगा. ये आ गया अपना पांग वाला रास्ता नदी के बगल का. हाँ जी, अभी चढ़ाई. अब चढ़े? हाँ, गुड. हाँ भाई, पूरा पाउडर लिपस्टिक ही लगा के जा रहे हो. हाँ हाँ, हैप्पी इज टेलिंग मी दिस इज जंस्कारी फेस पैक लाइक मुल्तानी मिट्टी. घर में पहचानेंगे नहीं मेरे को, मेरी बीवी और बच्चे. सावला गया था मेरा बाप, आया काला. अभी प्लैंक हो रहा है पीछे के जंप में, वरना पीछे के उतना भी मोमेंटम लेके जंप लेता ना तो ये उठा के अगले हिप कर देता. आगे से गाड़ी आ रही है. हाँ, हमारे तो नहीं है आज. माया तो एकदम प्लैंक बन के चल रही है फुल ऑन. देख के उतना तो चलेगा. तो रास्ता तो ऐसे ही है दोस्तों. इफ़ यू वॉन्ट, अब मैं तो पूरा तो रास्ता मैं ब्लॉग नहीं कर सकता, क्योंकि उतना कंटेंट बनाते जाऊं तो लग जाएगी मेरे ब्लॉग की एडिटिंग करने तक. तो मिलता हूं अगले कोई मोड पे. मोरक्को में 900 लॉन्च मोरक्को में करने की जगह यहां पे करना था. इंटरनेशनल ऑडियंस को भी ज़बरदस्त रूट मिल जाता. पहुंच गए. यस, और हो गया मेरा मुल्तानी मिट्टी वाला पैक वापस. तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद. तो चलो निकलते हैं, ये लोग भी आ गए तो निकलते हैं. हैप्पी भाई. तो चलो गाइस, चलते हैं. ब्रेक भी खत्म.
सो वी आर क्रॉसिंग रारू विलेज. बहुत खूबसूरत विलेज है और थोड़ा सा ब्रोकन टारमैक है. देन एज यूजुअल ऑफ रोड. अभी तक लिटरली हमको बैठने के लिए एक मिनट का भी टाइम नहीं मिला. तो वेन एवर यू आर कमिंग, सैडलिंग के लिए आप तैयार हो जाओ. इस रूट पे लिटरली हम सैडलिंग करते हुए चालू किए थे और अभी भी सैडलिंग ही कर रहे हैं, राइट? ओह मैन, ये खूबसूरती देखें, ये रोड पे कंसंट्रेट करें. अभी हमको मिला है थोड़ा बहुत रारू के पास ब्रोकन टारमैक. इससे पहले ना टारमैक मिला था ना कुछ. तो अभी चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद. चेहरा, इसके कपड़े देखो. ए हैप्पी हैप्पी इधर, हैप्पी के कपड़े देखो. कुछ नहीं हैप्पी, मेरे को दिखा. ये देखो चेहरे से लेके सर से मैंने हिंदुस्तान अस्सलाम वालेकुम हो गए. क्या ले रहा है तू? मजा ले रहा है सुनील भाई, मजे. यहाँ पे मिल गए हमारे वही दोस्त जो हम लोगों ने पूर्णिया में मिले थे और जो ट्रैक किए थे. अब हम वेट कर रहे हैं आगे जो पीछे जो हमारे दो जिप्सी रुकी है वो आ जाए तो यहाँ से निकलते हैं. आई डोंट थिंक सो वी आर लीविंग पदम टुनाइट. हाँ पूरी तो गैंग आ गई, रोड पे नाच गाना भी हो गया. अभी वो गैंग और ये गैंग मिल जाए ना, फुल कैंपिंग नाइट ही है. सो यहाँ से टारमैक चालू फॉर 40 किलोमीटर्स, 12 किलोमीटर्स टिल वी एंटर पदुम. मज़ा तो ख़त्म भाई, हर जगह जा रहे हैं, नए नए दोस्त बना रहे हैं और मस्ती तो घमासान हो रही है भाई. अभी बनेगी कहानी. मुनवा ये मॉनेस्ट्री कौन सी है? ये मॉनेस्ट्री बर्दन मॉनेस्ट्री. हाँ हाँ सही. ये देखो पूरे लोग मस्ती मारते हुए. सीरियसली दिस गाइस जो पहले दिन मिले थे तब से लेके अब तक पार्टी चालू ही है. दैट्स गुड. एंड ऊपर उस साइड पे स्नोफॉल चालू हो चुका है एंड देखते हैं ये लोग जब भी आएंगे उसके बाद कॉल लेंगे क्या करना है आगे का. अभी मॉनेस्ट्री से जा रहे हैं और एक झरने के लिए. आपका नाम? अनुज कुमार राय. अनुज कुमार राय झारखंड से. झारखंड से एज अ जूनियर इंजीनियर. अच्छा जी, डूइंग अ गुड जॉब मैन, ऑल द बेस्ट. सी पीपल आर सैक्रिफाइसिंग सो मेनी थिंग्स एंड गेटिंग आवर कंट्री रोलिंग. धीरे धीरे बोल रहा है. चलो चलो चलो, डुल 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 डुल. मैं आगे रुकाता हूं. जिप्सी का टायर पंचर हो गया था, फट गया. एक्चुअली पंचर नहीं, फट गया था इसलिए वो लेट हुए. अभी वो आगे चले गए. सीरियसली मिसिंग दिस गाइज मैन, क्या बोलते हो? विल बी मिसिंग दिस गाइज. अभी पदुम यहाँ से 8 किलोमीटर है, वहाँ से हमको डाइवर्जन लेना है लिंगशेट की तरफ. और कहाँ तक इसका अच्छा रोड है? जांगला तक. ऐसे ही टारमैक है तो चलो ऑफ रोडिंग थोड़ा कम हुआ, बैठ के चलाएंगे. बहुत देर तक हमने खड़े होके चला लिया तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद. ज़्यादा देर बैठने को नहीं मिला, वापस खड़े हो गए भाई.
और वापस रोड भी मिल गया, छोटा छोटा पैच है। सो वी हैव एंटर्ड पदुम, आगे चौक पे जाना है, चौक पे जाके राइट लेना है, वहां से होगा लिंगशित का रास्ता, और लिंगशित फ्रॉम पदुम इज अनदर 2 आवर्स। यहाँ पे किलोमीटर्स का नहीं आवर्स का होता है हिसाब किताब। दो जिप्सी सीधा गया, ठीक 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 ठीक, दे हैव गॉन अहेड बट वी हैव टू टेक दिस रूट। हु आर दिस BMW गाइज मैन? TN रजिस्टर्ड। लिंगशित के लिए पीछे जाना है? हाँ, पेट्रोल भरवा लिया? अच्छा अच्छा आ रहे हैं। सो लिंगशित के लिए वो गोम्पा वाला टर्न लेके ये रूट जाना है जो आगे पेट्रोल पंप का है। ब्रिज क्रॉस करने के बाद पेट्रोल पंप मिलेगा, पेट्रोल पंप मिलने के बाद पेट्रोल भरवाएंगे थोड़ा बहुत और आगे निकलेंगे। ये देखो जी, this is how petrol has been filled। मेरा तो पेट्रोल आधी टंकी तो वैसे ही दिख रही है। हाँ कंटिन्यूस कर, जीरो चॉइस। कितना है लीटर पेट्रोल? 91.5 पेट्रोल। पेट्रोल भी फुल टैंक करवा लिया and now we are heading towards Lingshit which is another 2 hours from here। और लिंगशित से पहले कहाँ तक ऑफ रोड है? रोड टारमैक है, थोड़ी देर में जांगला मिलेगा, जांगला के बाद वापस ऑफ रोड। अभी जितना भी पैर को रेस्ट देना है रेस्ट दे लेते हैं और उसके बाद जांगला में वापस खड़े होके चलाते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, एंजॉय दिस पर्टिकुलर व्यू एंड सी यू गाइस इन अ बिट। साथ ही लिखवा देंगे, जस्ट डू द एंट्री बिकॉज वी हैव ऑलरेडी गॉट टेस्टेड इन करगैक। करगैक में टेस्ट हुआ इसलिए यहाँ पे वी हैव टू जस्ट राइट आवर एंट्री एंड वी कैन कंटिन्यू। तो वी आर वेटिंग फॉर दोज टू व्हीकल्स टू कम, और तब तक तू मेरा और तुम्हारा लिख दो। मेरी और हैप्पी की एंट्री हो गई एंड वी हैव क्रॉस द चेक पोस्ट, बट आगे मौसम एकदम खराब है तो चांसेस ऑफ स्नोफॉल इज हाई। आई थिंक दीज गाइज आर कमिंग ओवर हियर। तो लिंगशित के पास है ना, जब लिंगशित ले के लिए जाते हैं ना तो वहाँ से आपको लिंगशित के लिए 10 किलोमीटर का नीचे डाइवर्जन लेना पड़ेगा। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन एंड आवर डे समवेयर ओवर हियर, वी कैन कैंप एंड टुमारो अर्ली मॉर्निंग विल क्रॉस दैट ज़िगज़ैग रूट एंड हेड टुवर्ड्स ले। That makes more sense, right? Because once we go inside and darkness sets in, then setting up a camp and everything will become a hassle. It has to be done before daylight sets. Yes, and now the time is around 4:09. Till they get their, they're just entering. This thing done around 4:30. By 5, if we start setting up tent, we'll get by 6 o'clock. We are all set, right? So let's see, we'll ask them also. So we all have decided to camp nearby, jahan pe bhi pani mile,
और खाना वाना पका लेंगे रात होने से पहले. और दीज गाइज आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब. अभी देखो ये टेम्पो ट्रैवलर से एक बंदा कोरोना पॉजिटिव निकला. सो दे आर आइडेंटिफाइंग एंड मेकिंग श्योर दे आर आइसोलेटिंग एंड ट्रीटिंग दोज पीपल. चलो आगे बढ़ो. खड्डा है ये तो पीछे से आ रहा है भाई. वापस एक खड्डा है. आ जाओ मजा आ रहा है. ये विलेज क्रॉस कर देंगे तो आगे हमको कुछ नहीं मिलने वाला रहने के लिए. और ऐसे भी सनसेट हो रहा है अब और 2 घंटे में सब कुछ डार्क हो जाएगा. उससे पहले ही आज रात को कैंप कर देते हैं. मैं तो अच्छे रोड पे नहीं जाऊंगा. बनी है टाइगर इस चीजों के लिए यार. और क्या. अब लग चुके हैं टेंट और अभी निकलेगा किचन वाला आइटम. और भाई लोग कैसा लग रहा है. मजामा फुल ऑन मजामा. तो इसमें जो इतने दिनों से यूज नहीं हुआ था यह है एनी काइंड ऑफ फ्यूल. आई कैन पुट पेट्रोल केरोसिन और डीजल. और ये अपना स्टोव और ये उसका अंदर वाला नोजल. तो इसे ऐसे भी बिठा सकते हैं या इसे बिठा के डायरेक्टली वो गैस वाले को क्या बोलते हैं ब्यूटेन. हाँ इसे डायरेक्टली ब्यूटेन को भी बिठा के चला सकते हैं. ये रहा स्टोव. ये रहे उसके बर्तन. और जब तक पेट्रोल आता है मिस्टर जुनैद वर्किंग ऑन स्टोव. प्रेशर ये आ गया. मजा आ गया. मजा आ गया. मजा आ गया. अपना स्टोव चालू. मैगी हैप्पी भाई. स्कोप्स मैगी. स्कोप्स मैगी. और यहाँ पे वो उबल रहे हैं अंडे. और वो देखो जी स्नोफॉल हो रहा है वहाँ पे. पता नहीं यहाँ पे भी हो जाए तो क्या हो. स्नोफॉल होगा या बरसात होगी भगवान जाने. संस्कार में आपका स्वागत है. जय बोले. जय बोले भाई. आ गए बोले बाबा के भक्त. आओ जी आओ आओ आओ. डालना भाई. रुको भाई साहब पहले सबको थोड़ा थोड़ा टॉप अप बाद में. क्या करता है. तो एक ये हो गया अपनी मैगी तैयार. और यहाँ पे खा रहे हैं सभी लोग. यहाँ पे हैप्पी भाई और राजा भाई चालू कर रहे हैं डिनर का काम. आज बन रही है दाल और दाल चिकोप सर चावल. चिकोप सर क्या है वो लेवे समझाएंगे. और आज का टॉर्च है अपना वाला हेड टॉर्च. ये भाई देखो जी शिकोप हो चुके हैं ठंड में ऑलरेडी. क्या क्या हालत है. बुरा हालत हो रखा है. और यहाँ तो दाल पक रही है भाई. हाँ. यही चल रहा है. मस्ती आ रही है. दाल पक रही है. और आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं अगले एपिसोड पे.